दीवार में कील डाली। हजरत उम्मुल मोमिनीन परेशान हो गई। मालिक मकान को बुलाया, फरमाया तुम दीवार में कील डाल कर शोर पैदा कर रहे हो, आकाए करीम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह ने फरमाया है जाकर नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करो, इसलिए कील डाल कर मेरे आका को तकलीफ न पहुंचाओ। मौला उतारेगा हेलो कर रहा अली मुर्तजा मकान का दरवाजा बोसिया हो गया। खैबर शिकन हाथ है, उन्होंने दरवाजा उखाड़ के अलग रख दिया और पांच पांच पढ़ने के लिए इतना लगा लिया। पीछे एक दिन एक भाई आया, क्या हुजूर आप इजाजत दीजिए मैं यहाँ आपका दरवाजा ठीक करके लगा दूँ? फरमाया लगा लूँ। उसने जैसे ही औजार निकाले, फरमाया क्या यही ठीक करोगे? क्या दरवाजा यहाँ लगना है? ठीक कहाँ करे? क्या क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह फरमाता नबी की आवाज से आवाज ऊंची मत करो, यहाँ अल्लाह का महबूब आराम कर रहा है। यहाँ दरवाजा ठीक करोगे कोई शोर पैदा होगा, ये यकीनन तकलीफ से बात होगी। इसलिए मदीना के बाहर ले जाओ, दरवाजा ठीक करो, अल्लाह के यहाँ सब कर लो। वो मेरे सरकार का आसाना क्या 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम को दुआ दो सलाम पढ़ते रहते हैं, शाम को दूसरे 70,000 आते हैं, वो सुबह तक दुआ दो सलाम पढ़ते रहते हैं। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार आसी पड़े रहे, ये जिला उम्र बाकी है। उस मदीना तैयबा की अजमत को पामाल करने के लिए आज से 91 साल पहले यहूद और नसारा की मदद की बुनियाद पर ये नजदीकों ने तसल्लुत हासिल किया। सैयदी सरकार आला हजरत का 130 सालाना नामोज हो रहा रहे हैं, यानी सरकार आला हजरत के विसाल से 12 साल पर 12 साल बाद इन नजदीकों की हुकूमत बताई। इन नजदीकों ने कुछ भी हो जाए आला हजरत के दीवाने मुफ्ती आजम के दीवाने
سبحان الله ما شاء الله جزاك الله خيرا.